दोस्तों यू से हमारा हिसार शहर का स्टेशन, हिसार शहर का स्टेशन है और बहुत पुराना भाई, कति मतलब जो अंग्रेजों के टाइम से, और पहले जब हिंदुस्तान में जब गोरे ने लाइन डाली थी आपका व्यापार करने के लिए, मुल्क को लूटने के लिए, ठीक है। वैसे लोग कह देते हैं कि गोरे ने हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रेल का नेटवर्क दिया, रेल का नेटवर्क भाई हमें ना दिया उन्होंने, हमें लूटने के लिए उन्होंने खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा। सामने जो एरिया आप देख रहे हो पुरानी जेल का एरिया है, ये है कि अब डेवलप हो चुके हैं, और ये है पुरानी जेल का एरिया है। बिल्कुल सामने पुरानी जेल होती थी भाई, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर, आधा फरलांग की दूरी पर, अब इस तरफ नया गोदाम बना दिया है। अब इधर ये रेलवे का नया गोदाम है, ये खुला ओपन है, ये ओपन गोदाम है। और अब मैं आपको दोस्तों घुमा के वापस जो यहाँ मज़ार है, जो पीर की मज़ार है, उसकी तरफ ले चलता हूँ। कहता हूँ इस मज़ार की सबसे अच्छी एक बात यह है कि इस मज़ार के साथ एक मंदिर भी है, ठीक है जी। तो इस बात से पता चलता है कि ये कितनी मुकद्दस, कितनी अच्छी, कितनी पावन, कितनी पाक जगह है, ठीक है जी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों की संस्कृति का मिलन आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है जी। तो ये वो मज़ार है, बहुत बढ़िया रख रखाव किया गया है, चमकती टाइलें, साफ सुथरा माहौल है, और सबसे अच्छी बात यह है कि चादर भी चढ़ाई गई है। तो यहाँ से जब पता किया तो पता चला कि हर जुम्मे के दिन जो है इस पर बाकायदा जो है दिया व्या लगाया जाता है, चादर चढ़ाई जाती है, लोग यहाँ अपना जो है सर झुकाते हैं और मन्नतें मांगने तक भी आते हैं। ये रेलवे की ज़मीन में है आज, ठीक है जी। और इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये है बिल्कुल इसके साथ लगता हुआ मंदिर है, नया मंदिर है, बिल्कुल अभी नया मंदिर बना हुआ है, बजरंगबली का, हनुमान जी का, भगवान हनुमान जी का मंदिर है ये। और उसके साथ ये फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ये मज़ार एक बार, इसका क्लोजअप दोस्तों। और भाई शीश झुका के इनको नमन है, इस महान आत्मा को, इस महान व्यक्तित्व को, आज़ादी के असली परवाने, ये परवाने हैं, ठीक है जी। गुत्ते देखे ना जाइए, ठीक है जी। तो ये दोस्त किया, इनको आप देख सकते हैं जी, आपको मैं चारों तरफ से घुमा के दिखा देता हूँ, देखिए। और इसको ये ठीक बहुत बड़ा दरख्त लगा जी इनको पर, और इस बाजार के पास आते ही हमारे रोंगटे खड़े हुए हैं हमारे, लिटरली हम महसूस कर सकते हैं, महसूस किया है ना ये वाइब्रेशन को, और इसका रख रखाव है ऊपर, ये बल्ब लगा रखा है, बिजली सुविधा भी रखी है, इसको पेड़ बड़ा पुराना लग है भाई, बड़ी बात खोल जाइए, 100 साल तक पुराना पेड़ हो उसके भाई बात है। और दूसरा ये है कि इसके ऊपर छत ना होने की वजह एक शायद ये पेड़ भी हो, और दूसरा ये रेलवे की जमीन है, तो शायद इसलिए जो है पक्का निर्माण या पक्का मकान बना पाना इस पर संभव ना हो, ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद देखते हैं आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की प्रतिक्रिया, ठीक है जी।